ये मास और ये दोनों मैग्नेट से कपल्ड है, ठीक है, यहां मैग्नेट लगा रखी, ओके, कपल्ड ऑसिलेटर बन गया। अब कपल्ड ऑसिलेटर का क्या एडवांटेज है, दोनों को चलाओ एक साथ तो दे मूव टुगेदर, ओके, ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये ऐसे कैसे ही चलते रहेंगे, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, तो वी कॉल इट एज दे आर मूविंग इन फेज, राइट। और ये वन ऑफ द स्टेडी स्टेट है, ठीक है। इन द सेम वे इफ यू एक्साइट देम लाइक दिस दे आर ऑल्सो मूविंग आउट ऑफ फेज एंड दिस विल कंटिन्यू टू मूव दिस वन, ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेडी स्टेट। तो कपल्ड ऑसिलेटर के दो मोड होते हैं चलने के, सिंगल ऑसिलेटर का तो एक ही मोड होता है, एक ही फ्रीक्वेंसी, बट इसके दो मोड है, एक ये और एक ये, और इन दोनों मोड में फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी स्प्लिटिंग, ओके। तो इन दोनों मोड की फ्रीक्वेंसी मेजर करें तो डिफरेंट रहेगा, और ये डिफरेंस है बिकॉज ऑफ द कपलिंग, ओके। और इस कपलिंग का पता कैसे चले कि बाकी कपल्ड है कि नहीं, ठीक है, आप एक को चलाओ दूसरा अपने आप चलने लगा, ओके, इसका मतलब ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, इसको खुद रुक गया, ठीक है, और वापस एनर्जी ले लेता है, इट मीन्स दे आर कपल्ड ऑसिलेटर, ओके, वापस रुक गया, ठीक है, कपलिंग मैग्नेट से की गई, मैग्नेट से की गई, एंड ऑपोजिट पोल्स है, आई थिंक क्यों भाई अट्रैक्टिव ये थ्री एन ये थ्री एंड इनकी अलग बराबर यहां से, ठीक है, तो दीज आर द फ्री एंड, ओके, इन फ्री एंड को हम कैंटिलीवर बोलते हैं। नॉर्मली ऑसिलेटर में ग्रेविटी का रोल होता है, बट दिस ऑसिलेटर इज फ्री फ्रॉम ग्रेविटी, ये खाली इसका के और इसका मास, इसके ऊपर इसका टाइम पीरियड, चेंज के नहीं चेंज होगा, इसका वो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, पोजिशन चेंज के बाई एम स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम, इससे रिलेटेड डिफरेंट ये